ये इन दोनों की मम्मी है, इनके पापा को बिलौटा खा गए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम है शेरपाल सिंह और आप देख रहे हैं शेरपाल सिंह ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम हैं अपने नाना के यहाँ और हमारे यहाँ खरगोश पले हुए हैं और गांव में हर चीज़ पली होती है, भैंस, गाय और बकरी, ये सब चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ खरगोश पले हुए हैं। तो चलिए आज आपको खरगोश दिखाते हैं। ये देखो, इससे डलवा के ऊपर ढके हैं, छोटी वाली को डलिया बोला जाता है, तो ये बड़ा है तो इसको डलवा बोला जाता है। और ये निकले यहाँ से तीन सफ़ेद और इक्टोलेगस क्यूनिकुलस, इनका साइंटिफिक नेम होता है और इनको खरगोश कहते हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे हैं ये इन दोनों की मम्मी है, इनके पापा को बिलौटा खा गए। मतलब जो खरगोश था ये, मतलब ये फीमेल है और जो मेल था यानी इन दोनों का पापा, तो उसको बिलौटा यानी कि बिल्ली से जो बड़ा होता है बिलौटा खा गया। तो इस वजह से इनको ये डलवा में ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि गांव में बिल्ली वगैरह ऐसी खुलेआम घूमती रहती हैं तो इनके ऊपर अटैक कर सकती हैं। और इनके फैमिली का एक मेम्बर तो मतलब बिल्ली की वजह से ख़त्म ही हो चुका, तो इस वजह से इनको ढक के रखना पड़ता है। और यहाँ पर ये धूप सेक रहे थे, देख सकते हैं कितने प्यारे हैं ये, आंखें देखो इनकी, स्माइल करो, देखो तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, फेमस हो जाओगे तुम लोग। स्माइल करो, देखो ये घास खाते हैं, लो खा लो बेटा। और ये इसी तरह से रखे रहते हैं विद सेफ्टी, जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है इनको। और ये हैं हमारी अम्मा, नानी, यानी कि नानी को हम लोग अम्मा कहते हैं, मतलब हमारी मम्मी लोग अम्मा कहती हैं तो हम भी अम्मा कहते हैं। नहीं, अम्मा तुम्हारा नाम कहाँ है, क्या नाम है? कलावती। अम्मा को नाम है कलावती। अम्मा के बाल देख रहे हैं, बिल्कुल गुड़िया के बाल जिसे लगते हैं। अम्मा कितने साल की हो गई तुम? 60 साल। अम्मा हमारी 60 साल बता रही हैं, लेकिन अम्मा हमारी 70 साल की होने वाली हैं या हो चुकी होंगी। हमने मतलब आधार कार्ड में देखा था। और नाना बताते हैं अम्मा की उम्र। अम्मा देखो बालों में कंघी कर रहे हैं। अम्मा के बाल देख रहे, बिल्कुल सफेद हैं, लोग सफेद करवाते हैं, अम्मा के नेचुरली सफेद हैं। अम्मा की शक्ल खराब है। अम्मा की शक्ल इतनी तो अच्छी है, देखो अम्मा गोरी गोरी आ रही है ना। चलो अब हम मिलाते हैं अपने नाना से। हाँ। नाना को हम लोग नन्ना कहते हैं प्यार से, क्योंकि हमारी मम्मी और मामा लोग सब नाना को नन्ना कहते हैं, तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं तो नन्ना कहते हैं। नन्ना नाम कहाँ आपने? गया प्रसाद। नाना का हमारे नाम गया प्रसाद है और नन्ना हमारे पढ़े लिखे हैं। कितने तक पढ़े नन्ना? 4। नन्ना मतलब 4 तक पढ़े हैं, पुराने जमाने की पढ़ाई। कहाँ जा रहे हो? हम हाँ तैयार होके जा रहे हैं। नन्ना खेत में जा रहे हैं। नन्ना राम राम कर लो सब। राम राम भाई सब जले से। तो ये था अपने गांव का कुछ सीन, पीछे देख सकते हैं पुराने जमाने के घर बने हैं, बस यही सब है गांव में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। गांव से जुड़ी हुई कुछ यादें ताज़ा हो गई हूँ कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हैं छप्पर है मेरे ऊपर, गर्मी नहीं लगती यहाँ पे बिल्कुल भी।